ट्रांसफरों के तो आवेदन करवा लिए, लेकिन अब बीच में 6D नई समस्या उभर कर सामने आ रही है। अब ये ट्रांसफ़र हैं जो थर्ड ग्रेड के अंदर होने थे, यह अब रस्साकशी का गेम बना दिया गया है, क्योंकि पहले तो फॉर्म अप्लाई करवा लिए, लेकिन अभी सरकार ने 6D करने का निर्णय ले लिया है। तो इससे यह समस्याएं खड़ी हो गई हैं कि पहले जो शिक्षक 2018 के अंदर माध्यमिक के अंदर लगा दिया गया था सीधा ही डायरेक्ट, अब उन्होंने ट्रांसफ़र के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई भी कर दिया। अब उनको जो स्कूल थी वह सेकेंडरी चुनी ट्रांसफ़र के अंदर, लेकिन अब उन्हें वापस सेटअप करके प्राइमरी या UPS स्कूलों में लाया जा रहा है। तो अब उनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई कि हम ट्रांसफ़र तो सेकेंडरी के लिए आवेदन है वह तो सेकेंडरी के लिए लगा दिया, अब हमें प्राइमरी में ला दिया है। अब बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है ऐसी, क्योंकि यह कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, एक या दो दिन के अंदर फॉर्म दोबारा भरे जाने निश्चित हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो गई है और जिसका कारण है 6D के अंदर लगभग जिलों ने अपनी वरीयता सूची यानी कि जो सीनियर शिक्षक थे उनकी सूचियां जारी कर दी हैं। अब जिन शिक्षकों के नाम आ गए हैं उन्होंने अपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किया वह UPS स्कूल में आवेदन कर दिए हैं, और उनकी अगर 6D हो जाती है तो वह सेकेंडरी में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो फॉर्म है वह अप्लाई किया है UPS के लिए। तो इस प्रकार से यह बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि यह नीति बनाई गई है कि जो माध्यमिक में गया वह अपर में कैसे आएगा। तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ, जैसे मैंने UPS में हूँ और मेरी 6D हो जाती है तो मैं सेकेंडरी में चला जाता हूँ, लेकिन मैंने आवेदन कर दिया UPS के लिए तो सेकेंडरी वाला UPS में आवेदन नहीं कर सकता, क्योंकि वह सेकेंडरी में ही आवेदन कर सकता है। तो इस प्रकार से यह बहुत बड़ी समस्या बन गई है, लेकिन घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार एक दो दिन में यह समस्या का हल ज़रूर निकाल लेगी, क्योंकि इसमें आवेदन दोबारा होने वाले हैं, क्योंकि आवेदन दोबारा मौके दिए जाएंगे, दोबारा से जैसे स्कूलों के अंदर 6D के दोबारा सीटें भर दी जाएंगी, उसके बाद जो सीट खाली होंगी उनके अंदर दोबारा फॉर्म अप्लाई कर दिए जाएंगे। जिनका 6D होनी है उन्हें माध्यमिक में मौका दिया जाएगा, और जो बच गए उनको जो कि UPS के अंदर दोबारा मौका मिलेगा। इस प्रकार से यह हल निकलता नज़र आएगा। हम बात करते हैं 6D की, तो 6D के अंदर 2018 यानी कि 6 अप्रैल 2018 के जो पूर्व के जॉइनिंग हुई है उनको सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार 16 और 18 वाले दोनों ही जो भर्ती के अंदर जो सम्मिलित शिक्षक हैं उनको 6D के अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। यह जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। जय हिंद दोस्तों।